ये है सेम केवल नेटवर्क। सेम केवल नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेम केवल नेटवर्क। जी हाँ, सेम केवल नेटवर्क केवल कनेक्शन, सेम इंटरनेट कनेक्शन एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क कीजिएगा सैयद आमिर ममनून, बबलू तेकाम, कमलेश नरवरिया, इंग्लिश यादव, अनस मुस्तफा, हासिफ नवीद खान, सैयद उमर ममनून, विनोद वर्मा, आकाश कहार, कुणाल मीना, मनोज जोशी, मनोज नामदेव, अशोक मांझी, राजा सिद्दीकी, फरहान खान, नरेंद्र कहार, सन्नी चंचल, संदीप माहेश्वरी, राजकुमार विष्णु शर्मा, अब्दुल नईम। युग समय युग आन नहीं जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गन विमले भव तर बिना प्रयास। कलयुग के जैसे और कोई दूसरे युग नहीं है जिन्होंने कलयुग में जन्म लिया। जो लोग कलयुग में इष्मानव रूप में आए हैं उनके ऊपर भगवान की अति कृपा है। बाबा तुलसी कहते हैं कलयुग के जैसे दूसरा युग नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरे युगों में यज्ञ करना पड़ता था, त्रेता विविध यज्ञ नर करहिं, प्रभु ही समर्पे कर्म भव तरहिं। त्रेता में हर व्यक्ति को यज्ञ करना पड़ता था, भगवान को समर्पित करना पड़ता था, तब मनुष्य भवसागर पार होते थे और भगवान को पाते थे। द्वापर में राम जी की पूजा करनी पड़ती थी। द्वापर करी रघु पति पाद पूजा, नर भव तरहिं उपाय न दूजा। जय श्री राम 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 राम जय श्री राम जय श्री राम। बाबा तुलसी कहते हैं द्वापर में भगवान की पूजा करनी पड़ती थी। कितना? कम से कम 3 घंटे का समय कम से कम पूजा में लगता है। आजकल की पूजा 5 मिनट में हो जाती है, 2 मिनट में। 2 अगरबत्ती जलती है, 2 चिरौंजी दाना और 1 बार घूम जाते हैं अगरबत्ती लेके। जो ध्या दुख बिन से मन का सभी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे सुख संपत्ति कर आवे हर दुख के करेगा उत्तर जगदीश हरे। तो अगरबत्ती में लिस्ट बहुत बड़ी रहती है, सुख भी संपत्ति भी कष्ट भी मिट जाए केवल 2 मिनट में। भगवान कहते हैं सब कुछ मिटाने के लिए मैं तैयार हूं। राम नाम संजीवनी ज्ञान सुधा सुख धाम, रघुबर दया निधान को सुमिरो आ। राम नाम क्या है? संजीवनी। संजीवनी प्यारे, राम नाम में वह ताकत है जो प्रभु श्री राम में ताकत है। संजीवनी है, कोई भी मर्ज हो हर मर्ज के संजीवनी है। जैसे संजीवनी बूटी हनुमान जी ने लाके लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह आज इस कलिकाल में राम नाम संजीवनी है। बड़े से बड़े मर्ज, बड़ी से बड़ी बाधाएं
और बड़े से बड़े अमंगल मंगलमय हो जाता है। कि जिन कर नाम लेते जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। जिनका नाम लेने मात्र से सारे अमंगलों का जड़ खत्म हो जाता है, मंगलमय की बौछार होती है, ऐसे प्रभु श्री राम का नाम है मंगल भवन। मंगल भवनिया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनिया अमंगल हारी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनिया अमंगल हारी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बाबा तुलसी कहते हैं मंगल के भंडार हैं, प्रभु श्री राम मंगल के भंडार हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं। प्रभु के नाम लेने या सुनने से पता है क्या होता है, हमारे जो आने वाले कल के अमंगल हैं वो मंगलमय बदल जाते हैं और हम आप जान नहीं पाते। कहते हैं कि पाप का जड़ अस्पताल में और पुण्य का जड़ पाताल में। प्रभु आकर के बताते नहीं कि तुमने वहां पर उपकार किया, तुमने वहां पर पुण्य किया, तुमने वहां पर दान किया, इसका बदला है। भगवान तो कहते हैं मेरे लिए कोई थोड़ा सा भी कर देता है तो मैं ऋणी बन जाता हूं। ऐसे प्रभु के नाम हम सबको यदि मिल जाए समझो कि भगवान की अति कृपा हो गई। कृपा भर नहीं, अति कृपा। इस प्रभु के श्री राम नाम को तीन लोग 14 भुवन में लोग गाते हैं। कहां कहां गाते हैं? धरती गाती अंबर गाते गाते चारों धाम ईश्वर तेरो नाम। धरती गाती अंबर गाते गाते चारों धाम ईश्वर तेरो नाम। जय हो अंबर गाते गाते चारों धाम ईश्वर तेरो नाम ईश्वर तेरो गाते चारों ईश्वर तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। जय हो। तेरा नाम ही सच्चा साथी तेरे नाम ही
तेरा नाम नाम न भूजा, तेरा नाम ही सच्ची पूजा, तेरे नाम का नाम न भूजा। सबसे प्यारा सबसे सुंदर तेरा नाम, ईश्वर तेरो के मन में हुआ उजाला, अपने नाम के उसने माला उसके मन में हुआ उजाला। तेरे नाम की रटन लगी है, तेरे नाम की रटन लगी है, अब तो आ थोड़ा ईश्वर तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अंबर भी गाते चारों धाम गाते हैं, तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरे नाम को दुनिया प्यासी, तेरा नाम ही सच्ची पूजा, तेरे नाम सा नाम न दूजा, सबसे प्यारा सबसे सुंदर है ये तेरा नाम। सब कुछ दो अक्षर के नाम है, दो अक्षर का नाम सबसे बड़ा है, सारे नामों में श्रेष्ठ है। कि राम सकल नाम ने ते अधिकार, ओ नाथ अलख बन अधिकार। बाबा तुलसी कहते थे भगवान के नाम तो कई है लेकिन जो राम है सारे नामों में श्रेष्ठ है। एक सत्य घटना बताऊं वृंदावन की, ध्यान से सुनना। एक बूढ़ी माँ वृंदावन गई बांके बिहारी के दर्शन करने, उसने 200 रुपए दान पेटी में डाल दिए और जब प्रसाद लेने गई तो पंडित जी एक मीठा दे रहे थे और वो बूढ़ी अम्मा बोल रही थी कि मुझे दो मीठा चाहिए, दो लड्डू, आप दो देंगे तब मैं लूंगी नहीं लूंगी। पंडित जी ने नहीं दिया, उसने एक मीठा नहीं ली और नाराज होकर मंदिर के बाहर निकल करके और आके बैठ गए।
और वो मन में ये विचार करती है कि बांके बिहारी तेरे दरबार में आई है और दो लड्डू मांग रही थी, मैं 200 रुपए दी लेकिन पंडित जी ने 2 लड्डू नहीं दिया, 1 दे रहे थे, प्रसाद मुझे नहीं मिला। एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक लिफाफे में 200 रुपए डाल के और 2 के बजाय 4 मीठा लेकर एक दोने में 5 वर्ष का बालक आया और कहने लगा अम्मा से, माता जी थोड़ा ये पकड़ना मेरा प्रसाद, मैं जल पी लूं फिर ले लूंगा। और अम्मा के हाथ में पकड़ा के वो 5 वर्ष का बालक जल पीने गया तो लौट करके आया नहीं। अम्मा वो लिफाफा खोल के देखी तो 200 रुपए उसमें वापस और 2 के बजाय 4 लड्डू उस दोने में प्रसाद रख। अम्मा ने कहा हो ना हो, कन्हैया मेरा देखे और चला गया, मैं जान नहीं पाई। भगवान ना जाने किस रूप में आ जाए नारायण। भगवान को आपके कौन सा गुण हमारे प्रभु को अच्छा लग जाए? न जाने कौन से गुण में दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण में दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण में दया निधि रीझ जाते हैं, पता नहीं भगवान कौन से गुण में रीझ जाए कोई जानता नहीं। कौन सी चीज आपको भगवान को अच्छी लग जाए? कल भगवान श्री राम का आप सबने सुंदर झांकी, श्री राम सीता का
आपने दर्शन किया, चरण पखारा। कल समय अभाव के कारण विवाह के जो कुछ कथा है प्रसंग, वो आपको नहीं सुना पाए थे। आइए आज हम सब उस विवाह के कुछ कथा को सुने कि भगवान प्रभु श्री राम का विवाह कैसे कैसे हुआ था, इसे हम और आप जरूर जाने। जानना चाहिए, भगवान के विवाह में सम्मिलित होना बहुत बड़ी बात है, उसके जीवन में सदैव आनंद मंगल बना रहता है। विवाह की कथा है भगवान के, जिस विवाह में संपूर्ण देवता पहुंचते हैं, संपूर्ण देवियां आती हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जब धनुष को खंडन कर दिए थे तो राजा जनक चक्रवर्ती महाराज को पत्र लिखा था, दूत के द्वारा पत्र दिया गया और चक्रवर्ती महाराज पत्र पढ़ करके गदगद हुए और पूरे अयोध्यापुर में ये खबर फैल गई कि भगवान श्री राम जी ने धनुष को खंडन किया है और सीता जी से विवाह होगा, अर्थात बरात लेकर के जनकपुर चलना है। पूरे अयोध्या के प्रजा, पूर्वासी, मंत्री, चक्रवर्ती महाराज, गुरुदेव, वशिष्ठ, संत समाज, विप्र मंडली बरात तैयार करके और जनकपुर के लिए प्रस्थान किए। बाबा तुलसी कहते हैं बरात जब चली तो बीच बीच में रुकते हुए जा रही थी। राजा जनक सब व्यवस्था रास्ते में जहां भी बरात रुके उन्हें संपूर्ण व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था किए थे। बरात जब जनकपुर में गई तो सीता जी को पता चला कि बरात जनकपुर में पहुंच चुकी है और बरातियों के लिए कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए सीता मैया अपनी कुछ महिमा दिखाती है कि जानी सिए बरात पुर आई अकछु निज महिमा प्रगट जनाई। सीता जी को पता चला कि बरात जनकपुर आ चुकी है, कुछ महिमा, क्या महिमा, रिद्धि और सिद्धि को आदेश देते हैं। अरे रिद्धि और सिद्धि, अयोध्यापुर से बरात जनकपुर आ चुकी है, ऐसी व्यवस्था करो हमारे पिताजी का नाम ऊपर हो जाए, नीचे नहीं ऊपर हो जाए, ऐसी व्यवस्था अवधपुर के जो लोग हैं वो कभी देखे और सुने ना, जहां रिद्धि सिद्धि हो, जहां साक्षात जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मी मैया हो, वहां की रचना, वहां की सुंदरता, वहां की व्यवस्था बाबा तुलसी कहते हैं भला कौन वर्णन कर सकता है। सारे अयोध्यापुर के जो बराती हैं वो सब देख रहे हैं चमत्कार कि राजा जनक तो बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं, ऐसा व्यवस्था तो हम लोग कभी ना देखे ना सुने थे। कोई अयोध्यापुर के लोग ये नहीं जाने कि ये सीता जी का चमत्कार है, तो कौन जाना, प्रभु श्री राम जी। सिए महिमा रघु नाया के जानी हर से यही दे खेत पहचानी। जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सीता जी की महिमा भगवान श्री राम जान गए। सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हे तो पहचानी। भगवान अंतर्यामी है ना, इसलिए राम जी जान गए कि ये महिमा सब सीता जी का है। यहाँ पर जो कमाल है, भगवान को प्रसन्नता हुई अंदर से कम व्यवस्था तो की है हमारे अयोध्यापुर के प्रजापुरवासी बरातियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बाबा तुलसी कहते हैं कि राजा दशरथ और राजा जनक समझी समझी जब दोनों गले मिल रहे थे उस समय कवियों ने उपमा ढूंढ रहे थे, इनकी उपमा मैं कौन से राजाओं से दे दूं। मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कबिलाजी। सारे कवि लज्जित हो गए, उपमा नहीं मिली। अंत में बाबा तुलसी ने क्या कहा,
राजा जनक और राजा दशरथ जैसे राजा ना हुए हैं और ना होंगे। एक ब्रह्म के पिता हैं तो एक आदि शक्ति के पिता हैं। भगवान श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। बरात प्रभु श्री राम जी से मिली, राम जी को देख करके सब ठंडे हो गए, सबको शीतलता आई। बाबा तुलसी कहते हैं कि राजा जनक सारे बरातियों को देवताओं के तुल्य स्वागत किया था। जैसे देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह जितने भी बरात में लोग हैं, जो देवता है ना, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे बरात में भगवान के, और जो देवियां हैं वो ब्राह्मणियों के रूप में गई, सब लोगों ने गए। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान श्री राम और सीता जी पवित्र समय संध्या समय में मंडप में प्रवेश करते हैं कि धेन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रह कहो विदेहि सन जानि समय अनुकूल। भगवान श्री राम और सीता मैया संध्या समय जब सूर्य भगवान डूबते हैं, उस समय भगवान श्री राम और सीता जी मंडप में जाते हैं। वो सबसे पवित्र मुहूर्त है संध्या समय। बाबा तुलसी कहते हैं कि धेन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। सारे मंगलों का मूल मतलब जड़ है। कई लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र होता है, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं नहीं, संध्या समय सबसे पवित्र है, सारे मंगलों का जड़ है। है क्यों? इसके पीछे बाबा तुलसी कारण बताते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि गौ माता पहले, आज भी हर गांव में दिन में जंगल में जाती है गौ माता चरने के लिए, संध्या समय घर आती है वापस, तो जो गौ माता के चरणों की धूली है वो पूरे नगर में उड़ता है और वो धूली से पूरा नगर पवित्र हो जाता है। इसलिए शाम के समय संध्या के समय सबसे पवित्र मुहूर्त बताया गया। जैसे सूर्य भगवान डूबते हैं, ठीक उसी समय भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, उस समय केवल प्रभु का नाम, संध्या समय पवित्र है। हम उस समय 10 बार 20 बार जितना भी प्रभु का नाम लेंगे बहुत ही पुण्यदायक है, फलदायक। जैसे कथाओं में सुन तो रहे हैं आप, कथा में बैठे हैं, एक बार भी यदि आप यहां राम कहते हैं 1000 गुना पुण्य ज्यादा प्राप्त होता है। कथा कहीं मंदिर के समीप रहे, करोड़ों गुना पुण्य मिलता है मंदिर में। यही कथा घर में हो तो कुछ अलग महत्व, मंदिर में हो कुछ अलग महत्व, तीर्थ में हो कुछ अलग महत्व, जगह जगह का। यहाँ पर मंदिर है, हनुमान जी भगवान शंकर विराजमान है, श्रोता वक्ता विराजमान है, ऐसे जगह में मंगलमयी भगवान श्री राम की कथा हो रही है। गौ माता के कारण शाम का जो समय है संध्या बेला पवित्र होता है। जिस गौ माता की आज दुर्दशा है, हर जगह देखो रोड में दिन में रात में बिचारी भटक रही है, जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं लोग, गांव के लोग भी, और दूध देना बंद तो छोड़ देते, कहते हैं कौन सेवा करे, कहां पाए घास भूसा। कलयुग में कहते हैं कि 10,000 वर्ष कलयुग बीतेगा तो गौ माता एक भी नहीं दिखेंगी, कहां दिखेगी, फोटो में कैलेंडर में। ये स्थिति आ जाएगी, किसी के पास गौ माता रखने का जगह नहीं, सेवा करने का समय नहीं। आने वाला समय कलयुग का बहुत खतरनाक होगा, बहुत बेकार होगा।
कहते हैं कलयुग में बारिश नहीं होगी, खेती कहां से होगी? जो गंगा जी है, नर्मदा जी है, यहां लोग कोशिश करेंगे कि यहां खेती हो जाए थोड़ा। ये स्थिति, कुछ दिन के बाद भोजन नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? मनुष्य मनुष्य को मार करके भोजन करेगा। ये स्थिति आएगी, ये विकराल कलयुग में देवी भागवत में लिखा है। शादी विवाह नहीं होगा, सब बंद, न जल मिलेगा न भोजन मिलेगा। जब मारपाट होगा उस समय फिर परमात्मा अवतार लेंगे। कलयुग भगवान अवतार लेके और फिर दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। हम जिसके लिए दिन रात लगे रहते हैं वो हमारा साथी नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा भक्ति करो, ऐसा भजन करो, बार बार जन्म लेना ही ना पड़े, भगवान के धाम को मुक्ति मिल जाए। नहीं तो हम मनुष्य शरीर पाकर के और भगवत भजन नहीं करेंगे तो पुनः कभी मनुष्य बने, कभी पक्षी बने, कभी पशु बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, यही है। आज तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये सब असत्य है। सत्य केवल भगवान का भजन है और कुछ नहीं। सबका राजा जनक ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था, स्वागत किया, सम्मान किया। बाबा तुलसी कहते हैं भगवान श्री राम और सीता जी मंडप में गए, प्रभु श्री राम सीता जी के मांग पर सिंदूर भरा, और दो बेटी और थी, एक राजा जनक की, एक राजा जनक की बहन, राजा जनक के छोटे भाई जिनका नाम है कुशध्वज, एक सीता जी की हो गई और दो कुशध्वज, तो तीन कन्याएं और थी और इधर तीन राजकुमार। तो सतानंद महाराज ने कहा कि तीन राजकुमार और हैं, ऐसा करते हैं कि चारों के चारों विवाह कर दिया जाए। तो राजा जनक और दशरथ दोनों हां कर दिए और भगवान श्री राम के साथ साथ तीनों भाइयों का और हुआ। ऐसे करके चार राजकुमार और चार राजकुमारियों का सुंदर विवाह हुआ। बाबा तुलसी कहते हैं बरात महीनों रुकी, महीना दो महीने बीत गए, भगवान का विवाह कब हुआ? अगहन के महीना में, शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि में, प्रभु श्री राम और सीता जी का सुंदर विवाह हुआ। बरात वहां महीनों बीत गए, वहीं पे रुके हैं पूरी बरात, और राजा जनक रोज स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति साहसी भांति पहुनाई। जब राजा दशरथ जी आदेश मांगते हैं तो राजा जनक हाथ जोड़ते हैं और आदर करते हैं और सम्मान। बाबा तुलसी कहते हैं कि जितने ज्यादा दिन बीत रहे हैं उतने ज्यादा राजा जनक सम्मान भी कर रहे हैं। जरा हम सबको राजा जनक के इस सम्मान से कुछ शिक्षा लेना चाहिए। अतिथि अतिथ देवो भव, अतिथि का कैसे स्वागत करें, मेहमानों का कैसे स्वागत करें, रिश्तेदारों का कैसे स्वागत करें। जिस दिन हमारे घर आए जितना हम उनसे प्रेम करते हैं उसके दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा, तीसरे दिन थोड़ा और ज्यादा, चौथे दिन थोड़ा और ज्यादा, जितने दिन बढ़े उतना ज्यादा प्रेम राजा जनक कर रहे हैं पूरे बरातियों के साथ। इसलिए किसी की इच्छा नहीं हो रही कि हम वापस जाएं, लेकिन मजबूरी है, चक्रवर्ती महाराज को इसलिए आदेश मांगते हैं, विदा मांगते हैं। लेकिन आज के लोग कैसा मेहमानों के साथ व्यवहार करते हैं, पहले दिन जाओ तो खूब प्रेम करते हैं और दूसरे दिन से आधे और तीसरे दिन से जीरो, गोला लग जाएगा कि जल्दी जा, अब हमारे पास समय नहीं है इनकी सेवा करने की, भोजन बनाने का समय नहीं, भोजन देने का, और हम यदि सेवा सम्मान करेंगे तो जाएंगे नहीं है, ऐसे ना करते हैं। राजा जनक दो महीने बीत गए लेकिन उनका सेवा जो सम्मान है वो बढ़ते ही गया। सारे बराती राजा जनक के प्रेम में बंधे, प्रेम
किसी की इच्छा नहीं हो रही। पर सतानंद जी ने कहा, राजा जनक से कि महाराज अब दशरथ जी को आप विदा करें, आदेश दें, बरात को विदा करें, अपना राजपाट जाकर के देखें। बाबा तुलसी कहते हैं सतानंद जी के कहने पर राजा जनक ने महल में वह खबर बता दिए कि चारों बेटियों की विदाई तैयारी कर लो। चारों बेटी की पालकी तैयार हुई। आज जगत की जननी जगदम्बा सीता मैया जनकपुर से अयोध्या जाने के लिए तैयार हो रही। बाबा तुलसी कहते हैं राजा जनक सीता जी को देख करके और हृदय से लगा दिया कि लीन है लाया उर लाय जानकी अमिटी महा मर जाद ज्ञान की। राजा जनक पुत्री सीता को अपने हृदय से लगा लिया और आज आंसू बह रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं मर्यादा मिट गई। राजा जनक इतने बड़े ज्ञानी ज्ञानी राजा बेटी के विदाई में भला रो दे। स्त्री हो तो चले, पुरुष है, कहते हैं पुरुष कठोर होते हैं, पुरुष जल्दी रोते नहीं। लेकिन राजा जनक ने क्यों रोया? बेटी विदा हो रही इसलिए नहीं रोया। राजा जनक ने आगे का समाचार देख लिया कि हमारे बेटी को आगे क्या होने वाला है। क्या देख रहे हैं? कि हमारी बेटी चित्रकूट के उस जंगल में एक पत्थर में, एक चट्टान में, एक शिला में बैठ करके और अंजलि से पानी पी रही है। राजा जनक ये दृश्य देख रहे हैं कि ये हमारी बेटी राजकुमारी सोने के गिलास में पानी पीने वाली है और आगे समय ऐसा आएगा कि ये चट्टान में बैठेगी, पत्थर में बैठेगी और अंजलि से पानी पी रही है। तापस का बेस है, तापस बेस जनक सिय देखी अभयो प्रेम पर पोषण पोषु। तपस्वी का भेष देख रहे हैं। उस बात को राजा जनक याद करके कि ना तो हमारे जनकपुर में कमी है, ना तो राजा दशरथ के यहां कमी है और आगे हमारे बेटी को वनवास होने वाला है और अंजलि में पानी पी रही है, इसलिए हृदय से लगा लिए लीन है लाय उर लाय जानकी मिटी महामर जात ज्ञान की। आज जो ज्ञान की मर्यादा है बाबा तुलसी कहते हैं वो राजा जनक की खत्म हो गई। राजा जनक गदगद भी है और ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े घर की बेटी होकर और इतने बड़े घर की बहू होकर उसने धन को ठुकरा दिया, धन को नहीं देखी, धन को ठुकरा करके और पति के साथ उस वन में जाएगी। दोनों राजा हैं, यदि सीता जी धन को देखती, राज को देखती तो क्या राजपाट छोड़ करके क्या जंगल में जाती? राजा जनक को गर्व है कि बेटी, हमारी बेटी दोनों कुल को पवित्र कर रही है कि पुत्र पवित्र किए कुल दोनों
असुर से धवल जगी के सबको। हे पुत्री, तुमने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया। बेटा एक ही कुल का पवित्र करता, एक ही कुल का नाम करता है, लेकिन बेटी दोनों कुल को पवित्र कर देती है, दोनों कुल का नाम कर देती है। ये है भक्ति, ये है धर्म, ये है संस्कार। लोग भगवान को कभी गणेश जी की पूजा, कभी दुर्गा जी की पूजा, कभी शिव जी की, लोग तो बस पूजा करते हैं कुछ मांगने के कारण। आज जनक नंदनी सब कुछ को त्याग करके राजा जनक क्या देख रहे हैं कि वन में गई है। बाबा तुलसी कहते हैं, सीता की मां सुनैना आज गोदी में बैठा करके नारी धर्म उपदेश दे रहे। पुत्री सीता, सासे ससुरे गुरु सेवाय कर हो, पति रूप लखिया यशोवानुसर हो। जय सिया राम रा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम रा, जय सिया राम। आज क्या कह रही है सुनैना? पुत्री ससुराल जाना, सास ससुर गुरु इनकी सेवा करना, पति की सेवा नहीं बतानी। और जब भगवान शंकर मैया पार्वती की विदाई हो रही थी तो किसी ने पूछा कि पार्वती की माता ने नहीं कहा पार्वती से कि सास ससुर की पूजा करना, सास ससुर की सेवा करना? क्या समझदार नहीं थी मैना क्या? तो बाबा तुलसी कहते हैं, समझदार तो थी लेकिन उनको ये पता था कि हमारे बेटी के ना सास है ना ससुर है और ना गुरु है, इसलिए सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बोली थी, करे हो सदा संग करे पाप पूजा, नारी धर्म व्रते देव न दूजा। जय सिया राम रा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम रा, जय सिया राम, जय सिया राम रा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम रा, जय सिया राम। पार्वती की माँ ने डायरेक्ट कहा था, सास ससुर का नाम ही नहीं लिया, गुरु का नाम ही नहीं आया। करे हु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म व्रत देव न दूजा। पार्वती हे पुत्री, तुम जाना ससुराल तो पति के चरणों की सेवा करना। स्त्रियों के लिए एक नियम एक व्रत, क्या? पति की सेवा। एक ही धर्म है, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही नियम है, एक ही धर्म है। बाबा तुलसी कहते हैं, यदि स्त्री भक्ति ना भी करे, बिल्कुल ना करे और पति की सेवा भर कर ले, तो भी जो बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा है ना, जिस गति को प्रदान करते हैं उस गति को स्त्रियों को मिलेगी, साधारण स्त्री को। और जब भक्ति कर रही है तो बात ही अलग है, फिर उनका तो जीवन मंगलमय है, उनका तो जीवन फिर सार्थक है। तो आज के समय में 90% स्त्री महिला ही भक्ति करती हैं, पुरुष को तो टाइम नहीं है, 10% ही लोग होंगे। आज के कथा के श्रोता कौन है? महिलाएं हैं। यदि 90 महिला है तो 10 पुरुष रहते हैं, इतना अंतर रहता है। जिस दिन वो भक्ति करना बंद कर दे उस दिन कथा बंद हो जाए, उस दिन कथा नहीं होगी।
कौन सुनेगा? पार्वती की माँ ने तो इसीलिए कहा था कि सास ससुर नहीं है, लेकिन सुनैना को सब पता है, इसलिए सीता जी से कहती है, पुत्री सास ससुर गुरु सेवा कर हो, अपति रूप लखिया यसु अनुसर हो। सास ससुर गुरु तीन की सेवा करना है। सीता जी ने पूछा भी पति, बोले पति की सेवा नहीं करना, तो पति का रुख रखना। रुख माने पति को भोजन की आवश्यकता है तो मांगे ना दे देना, जल की आवश्यकता है तो मांगे ना दे देना, बिस्तर की आवश्यकता है तो मांगे ना दे देना। पत्नी समझ भी जाती है, कुछ दिन रहते रहते अपने पति के आदत को कि नहीं अब क्या चाहिए। और बाबा तुलसी प्रमाण देते हैं कि सीता जी समझ गई थी केवट प्रसंग में, जाने निहारी मन मुदरी मने मुदित उतारी, जाने निहारी जाने निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम। सीता जी केवट प्रसंग में बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान जब गंगा पार हुए तो राम जी को लगा कि कुछ होता मेरे पास तो केवट को उतरा ही देता, लेकिन राम जी ने प्रकट नहीं कहा, तो सीता जी अंगूठी उतार कर देती है, प्रभु अंगूठी आप दे दो, कोई संकोच नहीं केवट को उतरा ही दे दे। राम जी ने मांगा नहीं था, सीता जी लख गई थी, जो आज सुनैना ने कहा है वही चीज सीता जी ने किया। पति का रुख रख जाना सारी सेवा। आज जब सीता मैया तैयार हुई, चार पालकी आज विदा के लिए तैयार हो रही प्यारे, तो जो खग मृग है पशु पक्षी है वही भी विकल हो गए। खग मृग विकल भय ये ही भांति मनुज दशा के से कह जाती, जय सिया राम 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 जय श्री राम राम जय श्री राम। खग मृग विकल भये भांति मनुज दशा कैसे कह जाती, जब खग और मृग पशु और पक्षी विकल है तो भला मनुष्यों की दशा कैसे वर्णन की जा सकती है। आज सीता मैया की विदाई है, चार चार पालकी है, राजा जनक पहुंचाने चले हैं, विदाई कर रहे हैं, पूरा नगर जन सैलाब मड़ा है। सीता मैया ने सोचा कि मैं आदि शक्ति हूँ, लक्ष्मी हूँ, और जिस नगर से मैं चली जाऊं वो नगर तो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, इसलिए पालकी में से एक मुट्ठी चावल निकाल करके और उस जनकपुर में एक मुट्ठी चावल गिराती है। कहते हैं जनकपुर में चावल की खेती बहुत होती है और वहां बहुत लक्ष्मी है, अतिशय। आज विदाई हो रही है बेटी की विदाई, कितना कठोर पिता क्यों ना हो उसके भी नेत्र में आंसू आते हैं। खुशी खुशी करे तो पिता तुम्हारी बेटी राजी करे, खुशी खुशी करे तो पिता
हमारी बेटी राजी करे, खुशी खुशी करो ना, तुम्हारी बेटी राजी करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राजी करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राजी करे, बहनों का राजा विदा, तुम्हारी बेटी राजी करे, महलों का राजा विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। जिस घर जाए तो स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए वो स्वर्ग बनाए, जिस घर जाए वो स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए वो स्वर्ग बनाए, दोनों कुल का तीन वादे, दोनों कुल का मान निभाए, दोनों कुल की लाज निभाए, दोनों कुल की लाज निभाए, यही बाबू जी से दुआ, तुम्हारी बेटी राज करे, बाबू जी से दुआ, तुम्हारी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे, अरे बहनों का राजा विदा, तुम्हारी बेटी राज करे, महलों का राजा मीना, तुम्हारी बेटी राज करे। बेटी कहती है बाबू से कि हे बाबू, हे माँ, जो जिस घर में मैं बचपन से पली, बचपन से बड़ी, और अचानक ये सब मुझे पराया क्यों लगने लगता है, एकदम से क्यों पराया लगने लगता है। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया था Thank you.
और बेटी कहते थे बाबू से कि बचपन से जो भी मैंने अपने पापा अपने बाबू से मांगा वो सब कुछ लाकर मुझे दिया, लेकिन अचानक ये घर ये आंगन मुझे पराये क्यों लगने लगा। अपनी माँ से पूछती है कि ये मुझे अचानक पराये क्यों लगने लगा। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, बस के मुझे बाबुल ने दिया, बस के मुझे बाबुल ने। बेटी कहती है जो भी मैंने बाबुल से मांगा वो मुझे लाकर दिया उन्होंने, जो भी मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी करी, लेकिन अचानक ये घर ये द्वार मुझे पराया से क्यों लगने लगता है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंस के मुझे बाबुल ने दिया, हंस के मुझे बाबुल ने। और जब मैं इस घर में खेली बड़ी और इस घर में जो मस्ती की है मैंने वो आज भी मुझे याद है, और ये घर अचानक मुझे इतना पराया सा क्यों लगने लगा। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंस के मुझे बाबुल ने दिया, हंस के मुझे बाबुल ने। प्यारी इतना दिया है मुझको, प्यारी इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई। जिससे जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, और अपनी मर्जी से उन्होंने देखकर मुझे उनके साथ जन्मों का रिश्ता बांध दिया है। अपनी माँ से कहती वो, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, अच्छा घर सुंदर घर देखा माने, क्षण में कर दिया उसके हवाले, क्षण में कर दिया उसके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कह बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई मुझे माँ से मिला, मिला ये ही सिला, मुझे माँ से मिला, मिला ये ही सिला। बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई। अयोध्यापुर पहुंची, वहां सुंदर सम्मान हुआ, परिचय हुआ, सुंदर बाबा तुलसी कहते हैं।
बधाई बज रही, आज कहां अयोध्यापुर में। सारे देवता अपने अपने धाम को गए, सारे प्रजा पूर्ववासी अपने काम में लग गए, सब कोई विदा हो गए। एक महात्मा रुका रहा, कौन, जिसका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र भी जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी के प्रेम वो बंधे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। प्रेम कि विश्वामित्र चलने नित चाहे राम सा प्रेम विनय बस रहा है। विश्वामित्र जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी के प्रेम में बंधे। राम जी से इतना प्रेम है कि वो जा नहीं पा रहे हैं। और जिसका भी हमारे राम जी से प्रेम हो जाए, जिसने भी राम जी से प्रेम कर लिया हो, वो उसको फिर किसी और चीज से प्रेम नहीं होता है। विश्वामित्र कहते हैं, राघव अब तुम मुझे जाने दो। कहां, मेरे आश्रम में जाऊं, यज्ञ करूं, भजन करूं, तप करूं। राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी आदेश लेते हैं, चक्रवर्ती महाराज मुझे विदा करें। आज राजा दशरथ जी दोनों हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए। बड़े ध्यान से सुनना, चक्रवर्ती महाराज क्या कहते हैं कि गुरुदेव आपको मैं अब समझ पाया कि संत क्या होता है। अभी तक मैंने समझा था कि नाथ सकल सम पदा तुम्हारी अमय से बकी समेत सुत नारी। हे गुरुदेव, मैं मेरा पूरा परिवार, पत्नी बच्चे, हम सब आपके सेवक हैं, और ये जो अयोध्या की राज है ये आपकी है। कितनी बड़ी बात दशरथ जी ने कहा आज विश्वामित्र जी से। क्यों कहा, विश्वामित्र जी को अब समझ पाए राजा दशरथ। जब राम जी को लेने गए थे उस समय नहीं समझ पाए कि संत क्या होता है, संत क्या नहीं कर सकता। उस समय जब राम जी को मांगे तो यही चक्रवर्ती क्या कह रहे थे, मैं राम को नहीं दूंगा। कि चौथे पन पायो सुत चारी विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। गुरुदेव चौथे पन में मैं चारों पुत्रों को पाया हूं, आपने विचार करके शब्द नहीं कहा, विचार करके नहीं मांगा। लेकिन आज वही दशरथ जी कह रहे हैं, गुरुदेव नाथ सकल संपदा तुम्हारी अमय से बके समेत सुत नारी। आज कह रहे हैं कि सारी संपदा आपकी है और हमारा पूरा परिवार आपके चरणों का सेवक है। अब चक्रवर्ती महाराज को लगा कि जो भगवंत नहीं करता वह काम संत कर देता है। ध्यान दें, एक आपको कथा बताऊं। एक संत जी बता रहे थे, एक बार एक सेठ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे, सेठ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वो सेठ जी नारद जी से पूछा कि नारद जी क्या हमारे भाग्य में पुत्र या पुत्री कुछ है कि नहीं। तो नारद जी ने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूं, मैं भगवान से पूछ के और आपको बताऊंगा। नारद जी पत्रकार हैं, यहां भी वहां भी है, हर जगह पहुंच जाते हैं।
तो नारद जी भगवान के पास गए और पूछने लगे, प्रभु एक सेठ ने ऐसा प्रश्न किया है, उसके पुत्र नहीं है और वो ये चाह रहा है यदि पुत्र होने वाला हो तब तो मैं घर गृहस्थ में रहूं और नहीं होने वाला है तो फिर भगवान का भजन करूं। भगवान ने कहा उसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं। नारद जी आकर के सेठ से बता दिए तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ये। अब वो बेचारा निराश उसी दूसरे दिन एक कोई महात्मा घर में पहुंच गए सेठ जी के, अनजान महात्मा संत। संत ने देखा और पूछा, सेठ जी आप इतना निराश क्यों हैं? तो सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी हमारे धन संपत्ति तो बहुत है लेकिन कोई संतान नहीं। और मैं तो नारद जी से पूछा, नारद जी भगवान से पूछ के बताते हैं तुम्हारे भाग्य में कोई संतान है ही नहीं, कोई संतान नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे लगा कि अब संतान नहीं होगी तो हम निराश हैं। महात्मा ने कहा, सेठ जी सुनो, तुम्हारी संतान होगी। मैं कहता हूं संतान होगी, तुम दृढ़ विश्वास करके और घर में रहो, गृहस्थ में रहो। ये जो गृहस्थ धर्म है ना, ये सबसे बड़ा आश्रम है, इसका तुम नियम संयम से पालन करो और तुम्हारे पुत्र होगा। संत ने आशीर्वाद देकर चले गए और 2 साल के बाद वे सेठ के पुत्र हुआ। अब वो सेठ क्या कहता है नारद जी से, नारद जी आपने कहा था कि पुत्र नहीं होगा, हमारे पुत्र हुआ, क्या आप भी झूठ बोलते हैं? नारद जी ने कहा कि मुझे जो भगवान ने बोला वही मैं भी बोला। ये खबर भगवान के पास गई, शांति हल्ला नहीं, बच्चे लोग भी हल्ला ना करें, कोई भी जो बच्चे हल्ला करते हो दौड़ रहे उनको बैठा दे। नारद जी भी भगवान से पूछने लगे कि प्रभु आपने कहा था वो सेठ के पुत्र नहीं होगा लेकिन आज वो सेठ के पुत्र है, क्या आप भी झूठ बोलते हैं? भगवान कहते हैं नारद जी उसके भाग्य में पुत्र नहीं था इसलिए तो मैंने कहा था, तो हुआ कहां से? उसको एक संत का आशीर्वाद है जो मैं भी नहीं रोक सकता। और संत ने आशीर्वाद देकर चला गया कि तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारे पुत्र होगा। तब नारद जी ने कहा वो कौन इतना संत महान संत है कि जो आपसे भी ऊपर हो गया, उससे परीक्षा ले ले। भगवान ने कहा चलो परीक्षा ले लो। नारद जी और भगवान नारायण दोनों महात्मा के रूप में उसी संत के पास पहुंच गए जो संत ने उस सेठ को पुत्र दिया था। भरी बरसात में वो महात्मा के कुटिया था, कुटिया में घास छाया हुआ था, पानी गिर रहा था, शाम के समय पहुंच गए दोनों महात्मा। बड़े ध्यान से सुनना, शाम के समय हल्ला नहीं, कोई बोलेगा नहीं, ए, चुप, कोई आवाज निकालेगा नहीं इधर उधर। शाम के समय देवर्ष नारद जी और भगवान नारायण पहुंच गए। बरसात हो रही थी, पानी गिर रहा था, उनके कुटिया में पानी चू रहा था। महात्मा ने उनका स्वागत किया, दोनों संत महात्माओं का। महात्माओं ने कहा कि महाराज अब रात में तो मुझे यही रुकना है, रात में कहां जाएंगे, पानी गिर रहा है। अब वो महात्मा ने सोचा कि भोजन बनाए तो इनको भोजन हम काहे से बना के भोजन कराएं, जो लकड़ी रखी है वो भी गीली हो गई, और यदि महात्मा रात में आज भूखे रह गए तो हमारे महात्मा रहने का कोई धर्म नहीं। पता है महात्मा ने क्या किया? अपने पैर में फटे पुराने कपड़े बांध के और आग लगा के उसमें भोजन बना के उन दोनों महात्माओं को भोजन करा दिया। वो दोनों महात्मा देखते रहे भगवान और नारद जी। भगवान ने कहा नारद जी ये महात्मा इतने तपस्वी इसलिए इन्होंने पुत्र दिया है, जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम संत कर देता है, वो काम गुरु कर देता है।
संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के लाली हो तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी
पत्नी की बन गई सुदामा की बन गई द्रौपदी की बन गई सुदामा की बन गई द्रौपदी की बन गई सुदामा की बन गई द्रौपदी की बन गई सुदामा 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 की बन गई द्रौपदी की बन गई सुदामा की बन गई द्रौपदी की बन गई सोया क्यों तू सोया अब जागे कोई रिद्धि बने सन सन के जगे लागे कोई अच्छी बने ओहो सत्तर के जगे लागे कोई अच्छी बने ओ सन सन के जगे लागे कोई अच्छी बने भी बताया है जब विवाह हुआ था ना भगवान श्याम सुंदर और रुक्मणी जी का उस समय दुर्वासा ऋषि भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई रहने का जगह देगा अपने घर में अपने महल में और एक शर्त है क्या शर्त है अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो श्राप दे दूंगा ऐसे में तो पूरा नगर डरने लगा कि कौन देगा उनको रहने के लिए जगह भगवान कृष्ण ने कहा मैं दूंगा अब दुर्वासा ऋषि को जानते हैं तेज बहुत है भगवान के यहाँ पहुंच गए महल उनको रहने के लिए स्थान दिया गया 12 बजे रात क्या बोलते हैं भगवान से मुझे खीर खाना है उसी दिन रुक्मणी का विवाह हुआ भगवान ने रुक्मणी जी को आदेश दिया कि दुर्वासा ऋषि है और जल्दी से खीर बनाओ नहीं तो श्राप दे देंगे 12 बजे रात रुक्मणी ने खीर बनाया और थोड़ा सा खाए दुर्वासा ऋषि नहीं तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के ऊपर फेंक दिए संत भगवान ने सहन किया फिर दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं कृष्ण मैं रथ में बैठूंगा और तुम दोनों घोड़ा बनोगे रथ खींचोगे एक तरफ रुक्मणी और एक तरफ तुम दुर्वासा ऋषि रथ में बैठ गए और रुक्मणी और भगवान श्याम सुंदर रथ को खींच रहे हैं ध्यान देना कुछ दूर तो रुक्मणी जी ले गई लेकिन बेचारी
प्यास के मारे मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। भगवान ने संभाला लेकिन नहीं संभाली। अभी विवाह हुआ है और देखो संत के सेवा में लग गई, रथ खींच रही है। जब रुक्मणी गिर गई तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ए रुक्मणी मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 11 वर्ष तक तुम अपने पति के मुख नहीं देखोगे। दुर्वासा ऋषि का ये श्राप है, घर के सामने बैठ करके तुम तपस्या करोगे, महल के सामने, महल के सामने 11 वर्ष तक रुक्मणी महल के सामने है, लेकिन श्राप क्या है, पति का मुख नहीं देखना है। कितना कठोर श्राप था, और आज ही विवाह हुआ था, 11 वर्ष के लिए श्रापित हो गए। रुक्मणी जी का जब विवाह हुआ था तो 16 वर्ष की आयु थी। इधर सीता जी का भी विवाह हुआ, 16 वर्ष की थी, 8 वर्ष की सीता जी 8 वर्ष की थी और रुक्मणी जी 16 की और भगवान कृष्ण 26। 11 वर्ष का क्यों दिया गया श्राप, संतान उत्पत्ति 27 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए, शास्त्र कहता है, तब वो लड़का अच्छा स्वस्थ रहता है। ये भागवत की कथा है, आपको जो बताया। 11 वर्ष तक रुक्मणी मैया ने वहां महल के सामने बैठ करके तपस्या की, भक्ति की। प्यारे जो काम प्रभु नहीं करते वो संत और महात्मा कर देते हैं। आज चक्रवर्ती महाराज विश्वामित्र के सामने दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव सारी संपदा आपकी है, हम सब सेवक हैं। कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुख नारी। गुरुदेव हम सब सेवक हैं, आज इस लाइन को जरूर ले जाए, इस लाइन को रोज पढ़ना आप लोग, पता है इस लाइन से क्या होगा, आपके मन में किसी प्रकार का भी अहंकार नहीं आएगा, चाहे धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे बल का, चाहे छल का, चाहे रूप का, अभिमान तो आ ही नहीं सकता। ये लाइन ये काम ही है कि हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, हम तो सेवक हैं। अरे देने वाला आज दिया है, पता है कि कल देगा कि नहीं देगा, और कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। जितने दिन रहो भगवत भजन करो, आनंद से रहो। आपके लिए नया साल इस साल का कितना अच्छा है, एक बार सभी लोग मनु भाई के लिए जय जयकार तो कर दो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जिसको भगवान ने निमित्त बना करके इतनी बड़ी ज्ञान की गंगा बहा रहा पूरे नगर में, पूरा नगर पवित्र हो रहा, और आज नए वर्ष में आप सब कितने भाग्यशाली हैं, भगवान की कथा मिल रही सुनने को। नए वर्ष की शुरुआत भगवान के हरि चरणों के साथ, कथा के साथ, मतलब आपका पूरा जो नगर है ना मंगलमय रहेगा, आप सब आनंदित रहेंगे, बड़े ही प्रसन्न रहेंगे, ये राम कथा कहते हैं। और आज बड़ी अच्छा अवसर है कि सेम केवल नेटवर्क जिसके जरिए आप सभी ओबीडी लगन, तो ओबीडी लगन और ओबीडी लगन के बाहर के सभी प्रोग्राम आप देखते हैं। मैं सभी के सदस्यों को मंत्रवाद आमंत्रित करता हूं कि वो महाराष्ट्र का स्वागत अभिनंदन करें, जिसके माध्यम से आप सभी इस कथा को भी आप सिर्फ केबल नेटवर्क पर रात्रि के समय पे देख सकते हैं, और उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करते हुए उनको आमंत्रित करता हूं कि यहां पर आए और महाशय का स्वागत अभिनंदन कर उनसे आशीष प्राप्त करें। बोलो रामचंद्र भगवान की। निरंतर कई वर्षों से हमारे नगर में स्वर्गीय आत्माओं को याद कर सम्मान
स्वयं केवल नेटवर्क की ओर से दिया जाता है। साथ ही व्यास पीठ, गुरुदेव और मंच आसीन कलाकार हमारे बीच उपस्थित कानपुर से पधारे हुए गुरुजी भी हैं, तो मंच आसीन व्यास पीठ पर सम्मान समारोह किया जाएगा। मैं जिन नामों को पुकार रहा हूँ वे सभी मंच पर आ जाएं। आरती यादव जी, भूतपूर्व पार्षद जी, ऊषा पदम वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद जी, पप्पू लोधी जी, संदीप महेश्वरी जी, प्रीतम राजपूत जी, बीजी रामानी जी, आराई साहब दीक्षित जी और सोहन भाई मंच पर आ जाएं। स्वयं केवल नेटवर्क द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम कई वर्षों से नियमित रूप से जब भी कथा होती है तो उनके सम्मान में, उनको याद करके, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा जाता है। स्वयं केवल नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहा है कि इस स्तर से उन अमर आत्माओं को हम याद करते रहें, और वो पूर्ण आत्माएं हैं कि जो हमारे बीच नहीं है फिर भी उनके नाम अनेकों बार इस व्यासपीठ के मंच से उनको याद किया जाता है। ये उनके परिवार के लिए भी गौरव की बात है कि इतनी महान अमर आत्मा उनके परिवार में जन्म लिया था, परंतु दुर्भाग्य कि उनका साथ एक निश्चित समय तक रहा, यह दुखद बात है। पर ईश्वर की मन के आगे, मर्जी के आगे हमारा किसी का बस नहीं होता। उसने जितना साथ हमारे लिए लिख दिया है उससे हम पल भर ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, परंतु ये बहुत अच्छी बात है कि उनको ऐसे व्यास पीठ से आज भी याद किया जाता है। और ये पुण्य काम स्वयं केवल नेटवर्क के द्वारा संचालित किया जाता है, और मुझे आशा है कि जिस तरह वे सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं ये उनकी प्रशंसनीय कदम है, और ये इस तरह के कदम को वे हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे बीच उपाध्यक्ष जी की मम्मी बैठी हैं, वे भी मंच पर आ जाएं। वे स्वर्गीय आत्माएं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं, आप सब लोग भी बैठे बैठे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे नगर के प्रथम गुरु कांता प्रसाद शास्त्री जी, शंकर गुप्ता जी, अनिल चौकसे जी, बासु बासवानी जी, कुलदीप सिंह सहगल जी, रूपेश राजपूत जी, बंटी खन्ना जी, ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम इन्हीं अमर आत्माओं के लिए रखा जाता है। मैं आरती दीदी से आरती यादव जी के द्वारा सर्वप्रथम व्यास जी का सम्मान किया जाएगा, बाकी सभी लोग मंच आसीन कलाकारों का सम्मान करें और गुरु जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आरती यादव जी द्वारा गुरु जी का सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे नहीं बोलना पड़ा, तालियां अपने आप बज गई।
सीता पदम सिंह जी चौहान का परानपुर वाले गुरु जी का सम्मान किया गया। हमारे बीच नगर के पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, वे गुरुदेव का सम्मान करेंगे। प्रीतम राजपूत जी, बीजी सामान्य जी, हमारे बीच नगर पालिका के आई श्री दीक्षित जी भी उपस्थित है, वे भी सम्मान करेंगे। अभी हमारे बीच पत्रकार बंधु जो थे वे बीजी लमानिया जी हैं। सोहन भाई जल्दी आ जाएं। अब मैं कथा आयोजक बोलू भाई और पंडित जी उनके बगल में बैठे हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि आ जाएं। बंधु जैन साहब, आपको मनमोहन संगीत देने वाले कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है पंडित जी द्वारा।
व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और पत्रकार बंधु जो यहाँ की खबर समस्त नगर में हर जगह 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 वो अपने पेपर के माध्यम से धर्म का प्रचार करते हैं, उन सभी पत्रकार बंधुओं को मैं व्यासपीठ से एक बार बहुत बहुत उनका धन्यवाद, और भगवान उन्हें ऐसे सद्बुद्धि देते रहे और वो धर्म का प्रचार निरंतर करते रहे। ये है सेम केवल नेटवर्क। सेम केवल नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेम केवल नेटवर्क। जी हाँ, सेम केवल नेटवर्क केवल कनेक्शन, सेम इंटरनेट कनेक्शन एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क कीजिएगा सैयद आमिर ममनून, बबलू तेकाम, कमलेश निर्वरिया, इंग्लिश यादव, अनस मुस्तफा, हासिफ नवीद खान, सैयद उमर ममनून, विनोद वर्मा, आकाश कहार, कुणाल मीना, मनोज जोशी, मनोज नामदेव, अशोक मांझी, राजा सिद्दीकी, फरहान खान, नरेंद्र कहार, सन्नी चंचल, संदीप माहेश्वरी, राजकुमार विष्णु शर्मा, अब्दुल नईम। लगा नारा लगाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, वो गांव एक कीर्ति के समान बन जाता है, वो घर एक मंदिर के समान बन जाता है, और उस घर में रहने वाले एक भगवान की मूर्ति समान बन जाता है। जिस गांव में, जिस गलियों में, जिस घर में ना कथा है ना भगवान का भजन है, ना कोई दीवा बत्ती है ना पूजा है, वो घर एक शमशान के समान है। शमशान शमशान समझते ना, अमर घर का शमशान क्या होता, दीवा नहीं, बत्ती नहीं, भजन नहीं, भाव नहीं, कुछ नहीं, और उसमें रहने वाले भी शैतान है। तो ध्यान रखना, उस घर में कभी भक्त प्रवास, भगवान कभी प्रसाद नहीं करते, उस घर में अवदशा प्रवास करती है, लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसीलिए मेरे सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, हर गलियों में, हर गांव में, हर घर में, मेरी माता बहनों से भी सूचना देता हूं, तो ये घर की लक्ष्मी आप हो। भगवान ने मौका, मैं कभी भी देखता, कोई भी सत्संग में, भागवत में, रामायण में, बड़े बड़े सत्संग में, प्रवचन में चलते रहता हूं, जहां देखो वहां हमारी माता बहनों का ही नंबर है। क्यों? तो देश में माता बहनों की कमी है, इसीलिए भगवान उनको यहां भेजता है। तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा प्रभाव ज्यादा बनेगा, और ये मूर्ख ना घर में सोए रहेंगे। क्यों? इनको सुनाने का आज्ञा दे दिया और आपको ये प्रभाव दिया, तो जाओ बेटा भजन में, भगवान के भजन में रहोगे तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ते रहेगा, और तुमसे ये जो चोर चुटे लुटाए, आपकी जो कबर लेने वाले, ये तुमको देख के ही डर जाएगा, ये अपने लायक नहीं। आज देश में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं, ऐसी भी बातें हो रही है, इसका कारण क्या है? इसके लिए मां बनो, जागरूक हो जाओ, और इस कथा में, प्रवचन में साधु को संग जरूर करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद बाबूजी को, बहुत ही सुंदर हम सबको दृष्टांत दिया, और हम सबको इसे अपने जीवन में उतारना है, और बड़े तपस्वी संत 3 वर्षों से लगातार यहाँ आ रहे हैं जैसा कि बताया उन्होंने, और यहाँ बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं, हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं, और हम सबको अपने शब्दों से आशीर्वाद स्वरूप वचन भी उन्होंने दिया। आइए हम सब कथा के क्रम में चले, 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल मोद बधाई। जिस दिन से भगवान राम और सीता जी का चारों भाइयों का विवाह हुआ उस दिन से अयोध्यापुरी में रोज बधाई बजती रोज। एक दिन चक्रवर्ती महाराज अपने सूर्यवंश के गद्दी में विराजमान थे। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराजा। चक्रवर्ती महाराज अपने सूर्यवंश के गद्दी में विराजमान थे। उनका थोड़ा सा मुकुट टेढ़ा हो गया था तो एक मंत्री ले जाकर के दर्पण देता है। महाराज दर्पण देख ले तो जब वो दर्पण देखते हैं तो उनको दिखाई क्या देता है कि मुकुट तो टेढ़ा है ही, मेरे दो बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरख पर अस उपदेशा। बाल सफेद हो गए कहां, कानों के पास में दो बाल। तो दशरथ जी को लगा कि मुझे बुढ़ापा आ गया और अब बुढ़ापा आ गया अब मैं गद्दी के लायक नहीं हूं, अब तो गद्दी छोड़ देना चाहिए, अब तो घर गृहस्थ से कोई मतलब नहीं। बाल सफेद हो जाए तो घर और गृहस्थ से मतलब नहीं, केवल और केवल एक ही काम बचता है, भगवान का भजन। फिर जब तक बाल सफेद नहीं हुए तब तक आप भगवान का भजन भी करो और घर गृहस्थ भी देखो, ये नहीं कि केवल घर गृहस्थ दोनों का, पर जब बाल सफेद हो जाए तो आप घर गृहस्थ में ध्यान ना देके भगवान के भजन। पर अब आज तो कोई करता नहीं, बाल सफेद होता तो काले करा लेंगे, काले करा लेंगे लेकिन भगवान का भजन थोड़ी करेंगे। वो कहते हैं कि पत्र आते हैं चार, बाल सफेद होना, कान में सुनाई न देना, आंख में दिखाई न देना, चलते ना बनना, इस चेतावनी है, चेतावनी पत्र कि यदि अभी तक, आजकल तो बाल 10 साल 15 साल के बच्चों का बाल देखो सफेद है, है ना? एक उम्र होती है आयु कि आप 50 वर्ष 60 वर्ष घर गृहस्थ जवाबदारी से देखे चलाए चलाना चाहिए, पर इसके बाद आप अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दो और भगवान का भजन करो।
चक्रवर्ती महाराज मंत्रियों से कहते हैं कि मेरा मन हो रहा कि मैं राम को राजा बना दूं, अब मैं सूर्यवंश के गद्दी के लायक नहीं। मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छा। चक्रवर्ती महाराज गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, और कहते हैं गुरुदेव आपके सेवा से, आपके पूजा से, आपके आशीर्वाद से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, एक मनोरथ बाकी है, राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ त्रिकाल दर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। तो चक्रवर्ती महाराज ने पूछा कि कब बना दे, तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन कि बेग विलंब न करिय निपे साजी सबई समान, सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो जुबराज। राम जी के लिए कौन सा दिन देखना है, कौन सा मुहूर्त, जिस समय राम जी राजा बन जाए उसी समय शुभ मुहूर्त। ये बात गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा। चक्रवर्ती महाराज ने कहा कि आप जाकर के मेरे राम को शिक्षा दे दे कि बता दे कि कल राजा बनना है। और चक्रवर्ती महाराज महल में आ गए। अब गुरुदेव वशिष्ठ गए राम जी के पास, सीता राम दोनों गुरुदेव वशिष्ठ के चरण पखारे, पूजा किए, प्रणाम किए, और भगवान क्या कहते हैं गुरुदेव, सेवक सदन स्वामी अगमानो मंगल मूल अमंगल दमनो। हे गुरुदेव, सेवक के घर में स्वामी का आगमन, गुरुदेव का आगमन सारे अमंगलों को मंगल में बना देता है। जितने भी जीवन में हमारे अमंगल थे वो सारे अमंगल खत्म हो गए और मंगलमय हो गया। भगवान कहते हैं कोई संत आ जाए घर में, कोई गुरु आ जाए, आप समझ लो आपके जीवन के अमंगल दूर हो गए। ये ताकत है, प्रभु कहते हैं जब संत मिलने हो जाए। बंद कर दे कथा। तेरी बाणी हरी गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरी से मिलने होगा। आए तेरी बाणी हरी गुण गाए जब संत मिलने हो जाए, तेरी बाणी हरी गुण गाए तब इतना समझ लेना हरी से मिलने होगा। आरती तैयारी करो। दूर हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सभी आरती में चले, आज यहीं पर कथा विश्राम है। कथा प्यारे तुम को मनाओ
जगत की अखियन के तारे दशरथ की अखियन के तारे पर प्राण बिछावर जाओ पर प्राण बिछावर जाओ कौशल्या के नंदन तेरी आरती तुमको मनाऊं
Oh,
तन्नो हनुमत प्रचोदया। भक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री राम करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री सीताराम चरणकमल प्रीत्यर्थं बंध पुष्पांजलि समर्पयामि। हनुमान जी महाराज की, जगत जननी मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, संत समाज की, नगर बस्ती की, गुरु गोविंद की, माता पिता की, चित्रकूट धाम की, अयोध्या धाम की, आज के आनंद की, हर हर महादेव। हर सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हमारे भंडारे में आते हैं गुप्तधन, भगवान उनका भी भंडारा भरपूर रखे। 5151 रुपए हमारी आरती दीदी की तरफ से हमारे भंडारे में आते हैं, भगवान उनका भी भंडारा भरपूर रखे। 5151 रुपए हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती दीदी शिव मंदिर और हमारी समिति में भी है, इस रामायण जी में उनका बड़ा सहयोग रहता है, तन मन धन से 5151 रुपए उनकी तरफ से हमारे भंडारे में आते हैं, भगवान उनका भी भंडारा भरपूर रखे। सभी से निवेदन है कि प्रसाद लेकर जाए। हेलो कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। नाम लूट रहा है
राम का नाम लूट रहा है, लूटने वालों लूट लो, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्यारे जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो जय जय श्री राम।